जय माइकी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मींस ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर वृषभ राशि के प्यार के बारे में कि वृषभ राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी, जिसमें हम वृषभ राशि प्रेम संबंध व वृषभ राशि प्रेम विवाह आदि, जिसमें प्यार मोहब्बत संबंधी सभी बातें करते हुए वृषभ राशि प्रेम संबंध 2022 की विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोलें तो इज 2022 गुड फॉर टॉरस लव, और इज 2022 गोइंग टू बी ए गुड ईयर फॉर टॉरस लव लाइफ। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहाँ फ्री में अपना लग्न जान सकते हैं। वहाँ उस पैनल पर हम भी हैं, आप चाहें तो वार्ता के माध्यम से हमसे सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी ना मिले तो आप, किसी कारण से ना मिले तो आप राशि के अनुसार या फिर अपने नाम राशि के अनुसार इस भविष्य फल की टोह ले सकते हैं। वृष राशि 2022 लव होरोस्कोप या वृष राशि लव 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही वृष राशि 2022 प्रेम प्रसंग यानी आपके लव लाइफ संबंधी परिणाम का भविष्य फल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 वृष लग्न या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हम इनकी कुंडली के लग्न भाव, उसके स्वामी पंचम भाव तथा उसके स्वामी के साथ साथ शुक्र और गुरु के गोचरों का विशेष अवलोकन करेंगे। बाकी अन्य स्थितियाँ तो विचारणीय होती ही हैं। टॉरस लव होरोस्कोप फॉर सिंगल्स की बात हो या फिर टॉरस लव होरोस्कोप फॉर कपल्स की बात हो, इस मामले में जब हम गुरु का गोचर देखते हैं तो इस साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा, और यहाँ रहकर बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे यानी कि आपकी भावनाओं को सकारात्मक रास्ता दिखाएंगे। स्वाभाविक है कि भावनाएं तभी संतुष्ट होती हैं जब हमारा पारिवारिक या प्रेम संबंध अनुकूल होता है। इस लिहाज से देखें तो इस अवधि में आपका प्रेम संबंध सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए। 13 अप्रैल 2022 के बाद वर्ष के बाकी दिनों में बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा और अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में रहेगा। यहाँ स्थित बृहस्पति आपके प्रेम भाव यानी कि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके निजी संबंधों के लिए अच्छे परिणाम देंगे, चाहे वह संबंध मित्रों के साथ हो या फिर प्रेमी या प्रेमिका के साथ, इन संबंधों में अनुकूलता बनी रह सकती है। इस बात का संकेत बृहस्पति ग्रह कर रहे हैं। टॉरस लव होरोस्कोप 2022 इन हिंदी के लिए जब हम शनि के गोचर की पड़ताल करते हैं तो शनि ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके पंचम भाव पर नहीं रहेगा, यह भी एक अच्छी बात है। 12 अप्रैल 2022 तक राहु का गोचर लग्न पर रहेगा, यह एक कमज़ोर बिंदु है, लेकिन 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु का गोचर द्वादश भाव में चला जाएगा, क्योंकि लग्न से राहु का गोचर हट जाएगा। ऐसे में प्रेम संबंधों के लिए यह एक सकारात्मक गोचर होगा, और पंचम भाव के स्वामी बुध के गोचर का विचार कर लिया जाए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम बुध के सिर्फ उन गोचरों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए प्रतिकूल होंगे, क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में बुध का गोचर अनुकूलता देगा या फिर आपके लिए एवरेज रहेगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर टाइम ड्यूरेशंस की बात कर लेंगे। उन टाइम ड्यूरेशंस में आपको अधिक सावधानी रखनी है या संबंधों को अधिक प्यार से सहेजना है। बाकी के समय को आप अनुकूल मानकर चल सकते हैं। 8 अप्रैल 2022 टाइम ड्यूरेशन से 25 अप्रैल 2022 के बीच बुध का गोचर आपके व्यय भाव में रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह तुलनात्मक रूप से कमज़ोर गोचर माना जाएगा। 26 अक्टूबर टाइम ड्यूरेशन से 13 नवंबर 2022 के बीच बुध का गोचर छठे भाव में रहेगा। यह प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमज़ोर माना जाएगा, क्योंकि इस समय आपस में विवाद या फिर आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 के बीच बुध धनु राशि में रहेंगे, साथ ही 31 दिसंबर 2022 के दिन भी
इस वर्ष बुध धनु राशि में रहेंगे। इन ड्यूरेशंस में भी प्रेम संबंधों को अधिक संभालना है और बेवजह का संदेह नहीं करना है। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे, यानी कि ये सावधानियां रखेंगे, तो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। टॉरस मैन हो या फिर टॉरस वुमेन, अथवा बॉयज़ हों या गर्ल्स, इनके लिए लव हॉरोस्कोप 2022 के लिए शुक्र का गोचर तो विचारणीय रहेगा ही रहेगा। ऐसे में शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो साल की शुरुआत से लेकर 27 फरवरी 2022 तक शुक्र ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे। वैसे तो अष्टम भाव में शुक्र वैवाहिक मामलों में एक बार ठीक परिणाम देने वाले कहे जा सकते हैं, लेकिन इस भाव का शुक्र कई बार कामुकता को बढ़ावा दे देता है। और अभी भी देश में इतना संस्कार बाकी है कि विवाह से पूर्व काम संबंधों के लिए बाध्य करने पर आपसी संबंध टूटते हुए देखे जाते हैं। अतः यदि आप पुरुष हैं तो इस अवधि में अपने वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें, ये खासकर पुरुषों के लिए समझाइश है। स्त्रियां तो वैसे भी मर्यादित मानी गई हैं, खासतौर पर तब जब आपका साथी इन हरकतों को पसंद ना करता हो, तब मर्यादित रहने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाकी आगे का समय सामान्य तौर पर शुक्र के द्वारा दिए जाने वाले प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने वाला रहेगा। आगे 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच शुक्र नीच का रहेगा और आपके पंचम भाव में नीच का रहेगा, तब भी आपको इसी तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। साथ में किसी स्त्री को लेकर विवादास्पद घटनाक्रम ना हो या बदनामी ना हो, इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना है। 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 11 नवंबर 2022 के बीच शुक्र आपके छठे भाव में रहेगा। हालांकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेगा, अतः किसी भी तरीके की बड़ी दिक्कत के योग तो नहीं है, लेकिन छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वहां पर शुक्र नीच का माना जाता है, क्योंकि वहां कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में मानी जाती है। इस लिहाज से थोड़ी सी सावधानी जरूरी रहेगी। ऐसे ही 5 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 के बीच भी आपको अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रेम का आनंद लेना है, यानी कि हम साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध या लव लाइफ को एवरेज से अच्छा मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 12 अप्रैल 2022 तक का समय तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, बाकी का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, बशर्ते कि आपकी दशाएं भी अनुकूल चल रही हों। ये बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। यदि आपको इन संबंधों में अनुकूल परिणाम ना मिल रहे हों, तो यह भी संभव है कि आपकी कुंडली की दशाएं विरुद्ध चल रही होंगी। इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएँ और दिखाकर उसका सॉल्यूशन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमज़ोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपने प्रेम प्रसंग यानी कि लव लाइफ के मामले में बेहतरी प्राप्त करें। आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को लव लाइफ यानी प्रेम प्रसंग या प्यार मोहब्बत संबंधी मामलों में यदि कोई व्यवधान आता है, तो कौन से उपाय करके आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। वृष राशि वाले लोगों को साल 2022 में अपनी लव लाइफ यानी प्रेम संबंध अर्थात प्यार मोहब्बत वाले मामले में सुधार के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन खिलाएं, नहीं तो कम से कम प्रत्येक बुधवार को तो ऐसा जरूर करें। महीने के दूसरे शुक्रवार को शुद्ध इत्र वाली सीसी माँ दुर्गा को चढ़ाएं। ध्यान रहे कि इत्र मतलब इत्र, अतर जिसको कहते हैं, डीओ नहीं, तो इत्र चढ़ाएं और उसी दिन कन्याओं को सुगंधित खीर भी खिलाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं। लाभ क्योंकि इतने में मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता को जान करके उनका उपाय करके अपनी लव लाइफ को आप बेहतर कर सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से मिलिए, उन्हें अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि आपकी इच्छा मुझसे कुंडली दिखाने की है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, मुझसे आप करवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट या अपना समय फिक्स करके हमसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें, कहीं भी सलाह लें, लेकिन चीज़ें खराब हो रही हैं तो सलाह ज़रूर लें। आप सुखी रहें, आप आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, वो आपके फ़ायदे की है। आपकी राशि से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज हम बना रहे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपनी लव लाइफ यानी प्रेम प्रसंग या प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। माता गौरी आप पर कृपा बनाए रखें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भाई। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।